गया के गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग द्वारा 1 से 7 अगस्त 2022 तक चलाए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन समारोह प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर उषा राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए गृह विज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर प्रियंका कुमारी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्तनपान के लिए कदम, शिक्षा और सहयोग विषय पर प्रकाश डाला। डॉक्टर प्रियंका ने कुपोषण से बचने हेतु थाली में तिरंगे भोजन की जरूरत तथा मदर्स मिल्क बैंक से संबंधित विषयों पर जानकारियां साझा की। तत्पश्चात जीव विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फरहीन वजीरी ने आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि 3 में से 2 बच्चों को अब भी दूध नहीं मिल पा रहा, जो अति चिंताजनक बात है। उन्होंने मां के शरीर में दुग्ध निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को सविस्तार समझाया। डॉक्टर वजीरी की बात को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज की जनसंपर्क अधिकारी सह अंग्रेजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी ने कहा कि स्तनपान की आवश्यकता पर देश भर में चलाए जा रहे इतने कार्यक्रमों के बाद अब भी जो माताएं बच्चों को आधुनिकता, अज्ञानता, कमजोरी, व्यस्तता आदि जिन भी कारणों से दूध नहीं मिल पा रहा है, उन सभी कारणों का निवारण करने की आवश्यकता है और यह शिक्षा और सहयोग द्वारा ही संभव है। मां का दूध हर नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे इस अधिकार से वंचित बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रकवि दिनकर की प्रसिद्ध कृति रश्मिरथी में आए कर्ण कुंती संवाद के दरमियान महारथी कर्ण द्वारा माता राधा की प्रशंसा में माता कुंती के लिए उक्त कटाक्ष भरी पंक्तियों पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था, के माध्यम से मातृत्व की सच्ची पवित्र एवं वात्सल्यमय भावना और मां के शरीर में दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया के मध्य स्थापित गहरे संबंधों की प्रकृति को समझाने की कोशिश की है। संगीत विभागाध्यक्ष डॉक्टर नूतन कुमारी ने मां के दूध को अमृत बताते हुए नवजातों के लिए स्तनपान को आवश्यक बताया है। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य सह अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा राय ने दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य पर अपने विचार रखते हुए उनके भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम तथा आयरन आदि पोषक तत्वों के अनिवार्य रूप से होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय माताओं में एनीमिया की समस्या पाई जाती है, जिसे दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। मनोविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीति शेखर ने दुग्धपान कराने के मनोवैज्ञानिक लाभों को समझाया। कार्यक्रम के अंत में नायक समन्वयक डॉक्टर सगुफ्ता अंसारी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने विचार रखने के उपरांत धन्यवाद ज्ञापन किया। छात्राओं में वैष्णवी रंजन, दीक्षा कुमारी जूही, नागमती कुमारी ने भी मां का दूध सर्वोत्तम आहार विषय पर अपनी बात रखी है। इस कार्यक्रम में अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नगमा सादाब, दर्शन शास्त्र विभाग की डॉक्टर जया चौधरी एवं डॉक्टर पूजा राय, इतिहास विभाग की डॉक्टर अनामिका कुमारी एवं डॉक्टर कृति सिंह आनंद, अंग्रेजी विभाग की डॉक्टर पूजा के अलावा मोनिका, तान्या, रिया आदि अनेक छात्राएं उपस्थित रही। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विश्व स्तन सप्ताह मना रहे हैं, उसके तहत में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों का भी प्रोग्राम है, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपने बातों को रखेंगे और हमारा उद्देश्य बस यही है कि लोगों को जागरूक करना कि स्तनपान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ स्तनपान कराने के लिए माँ को किसी और का एफर्ट का ज़रूरत नहीं है। वो क्या करती हैं, बस माँ और बच्चे, यहाँ कोई बॉटल फीडिंग की बात नहीं हो रही है तो भी क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमारे यहाँ 50% कुपोषण क्यों है, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट के प्रॉब्लम्स बढ़ ही रहे हैं। हमारे यहाँ कुपोषण का दर अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। अगर हम एनएफएचएस 4 का भी डेटा, अभी तो 5 का डेटा भी आ गया, जिसमें अभी भी हमारे यहाँ कुपोषण, खास करके जो वीक मना रहे हैं और इसमें कई एक प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आज होम साइंस डिपार्टमेंट ने भी एक इसका आयोजन रखा है, जिसमें कि हमारी जो बच्चियां हैं वो भावी माताएं हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग बहुत अपने मतलब एडल्टहुड में प्रवेश करने के पहले वो थोड़ा अवेयर हो जाएं कि हम लोग, बिकॉज आगे का जनरेशन तो यही लोग होल्ड करेंगी, तो इन लोगों को ये बताना ज़रूरी है। लेकिन जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग की तो बात करते हैं, बट हम मदर के हेल्थ की बात नहीं करते हैं, मदर के न्यूट्रिशन की। अनलेस एंड अनटिल मदर को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी वो अच्छा दूध नहीं पिला पाएंगी या भरपूर दूध नहीं पिला पाएंगी। तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है, हर घर का,
कि जो हमारे यहाँ माताएं हैं जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं उनके न्यूट्रिशन का पूरा फैमिली खास करके ध्यान रखे और कम